Welcome viewers to another very special episode of The Big Leap from Mirai Asset. It is a privilege and honor to have a very senior member of the fraternity coming and joining us. Today we have with us Mr. Chandrasekhar Madhusudan Purohit. We all know and love him as CM sir. So welcome CM sir to this episode of The Big Leap. Thank you so much for joining us. Main aap sabko CM sir ke bare mein batau. He has been a guide and a senior member of the fraternity. He guides us a lot on the business. He runs a very successful practice called as Purohit Consultancy LLP in Thane, in Mumbai. The Purohit Consultancy LLP is now almost 25 years and old. CM sir has been in the investment business for now more than 3 decades. And not only has he been managing funds and investments for more than 1200 families, he is also a very avid philanthropist. He has been promoting education and schools in the villages also. So this is another interesting factor about Purohit sir. So thank you sir for joining. मैं इसी से शुरू करूंगा कि आपका ये जर्नी शुरू कैसे हुआ, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज. अच्छा, क्या हुआ, मैं आई वॉज फ्रॉम माई नेटिव प्लेस यानी रत्नागिरी. तो रत्नागिरी से मैं जब बॉम्बे में आ गया तो मुझे ऐसा कोई चेहरा या कोई हेल्प नहीं था, तो मैं बोला कुछ तो विदाउट इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर सकते हैं क्या. Sure. तो वो सिलसिले में आई स्टार्ट फ्रॉम भिवंडी, देन शिफ्टेड टू ठाणे. फ्रॉम लगभग 2004 से मैं ठाणा में शिफ्ट हो गया. उसके पहले मैं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सब वहाँ भिवंडी में करता था, ताकि उसमें okay. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था और कोई पहचान की जरूरत नहीं थी. तो उसके बाद जैसा ही ठाणा में आ गया तो उससे मुझे एक चीज ध्यान में आया कि बिफोर म्यूचुअल फंड में एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा कि हम लोग प्रोडक्ट सेल करते थे, तो प्रोडक्ट सेलिंग का जो प्रेशर था वो कंपनी की तरफ से था और हमारा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ था और वो फैमिली जैसा था. तो मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग इनजस्टिस विद माई क्लाइंट. तो मैंने सोचा कुछ अलग हट के करेंगे. इसके लिए मैंने 2004 से फाइनेंशियल प्लानिंग यानी लोगों की क्या नीड्स है, नीड बेस्ड एनालिसिस करके उनको सजेस्ट करना और उनको बोलना कि यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप आ जाना. और बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा और जो हम लोगों को जाके बताना पड़ता था वो लोग मेरा ऑफिस में आके सब इन्वेस्टमेंट्स एडवाइस, इंश्योरेंस एडवाइस, जो भी एडवाइस, प्रॉपर्टी परचेस करना है कोई भी, यानी उनको फील हुआ कि ये आदमी हमारे लिए काम करता है. उससे पहले उनको लगता था कि ये सब काम करते वो अपने लिए करते. तो ये न्यू कंसेप्ट मैंने चालू किया और उसका बहुत बढ़िया मुझे रिस्पॉन्स मिला और खुशी मुझे ये चीज की मिली कि मुझे जिंदगी में समाज के लिए कुछ करना था, तो मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ. तो वो थॉट प्रोसेस दिमाग में आया कि मैं कुछ देना चाहता था. तो बीइंग फ्रॉम द आरएसएस बैकग्राउंड, मुझे हमेशा ये लगता था कि जो भी मेरे संपर्क में है उससे मेरे से क्या उनको फायदा मिल सकता है, मेरा नॉलेज का, मेरा एक्सपीरियंस का, मेरे पहचान का, जो भी उनको फायदा देना चाहता हूँ वो मैं कैसा पहुंचा सकता हूँ. तो वो कंसेप्ट चालू करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला. लवली. मैं ये चीज आपका नीड बेस वाला, मैं एक लोगों को, व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों के मैंने देखा है जहाँ पे नीड बेस के लिए पहले एक रिस्क प्रोफाइलिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं. तो आपसे इंटरेक्ट करने से पहले एटलीस्ट आदमी वो 10 क्वेश्चन पढ़ता है, तो एक बार उसको एक नीड समझ में आती है कि मेरी जरूरत क्या है. आई हैव सीन दैट विद वेरी फ्यू पीपल. तो मैंने वो चीज जरूर देखा है कि पुरोहित कंसल्टेंसी के आज वेबसाइट पे हमारे व्यूअर्स जा सकते हैं, तो वहां पे एक रिस्क प्रोफाइलिंग की जगह है. Yes. जो बहुत सारे लोग ज्यादातर स्कीम्स और सर्विसेज क्या देते हैं उसके बारे में बात होती है, बहुत Yes. कम लोग ये बताते हैं कि नीड बेस के पहले अपनी जरूरत समझो आप कि लंबे Yes. दौरान के लिए आपको पैसा करना है. सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग विच आई वुड से टू द व्यूअर्स. तो जब आपने शुरू किया, आपने बताया आपके पास क्लाइंट्स नहीं थे, आपने शहर में किसी को जानते नहीं थे, तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, फिर कैसे कैसे क्लाइंट्स आते गए, कैसे ये पुरोहित कंसल्टेंसी खड़ा हुआ? एक बार क्या हुआ था कि जब मैं चालू किया तो को कुछ सपोर्ट की जरूरत थी. सपोर्ट यानी उनके पास बहुत सारे ऐसे स्कीम्स थे कि जिसमें उनका निगेटिव परफॉर्मेंस था और उनका मैच्योरिटी आ गया था. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कर सकते हो कि ये सब लोग जो है ठाणा में वो ढूंढ लो, उनको कन्विंस करो, नहीं तो ये चेक्स उनको दे दो, क्योंकि इट्स अ मैच्योरिटी अमाउंट. इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट देम
तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मौके का फायदा मैंने उठाया और द टाइमिंग वाज आल्सो राइट। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया जस्ट टू गेट द न्यू क्लाइंट्स, और उसके बाद में सेमिनार लेना चालू किया उनके रेफरेंस से। और जैसी मेरी बात हुई है तो उनको एक एहसास हुआ कि आदमी हमारे लिए कुछ सेलिंग नहीं कर रहा है, ये हमें पूरा मार्केट का जो भी ज्ञान है उसको उनको तरफ से उनकी लैंग्वेज में जाके समझाता था उनको, ऐसा दे रहा है। और ऐसा भी नहीं, आप सोच लो उसके बाद आपको इच्छा है तो मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको पूरा सब ये सर्विस दे दूंगा, आपको कुछ कहा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद मैं रेफरेंस के थ्रू सेमिनार सेलिंग मतलब सेमिनार लेता था, तो सेमिनार्स में मैं इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और व्हाई टू इन्वेस्ट, हेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, ये सब्जेक्ट लेके मैं बहुत सारे लोगों को सेमिनार लेता था। कम से कम मैंने 60 to 70 सेमिनार्स लिए और जिसमें अप्रोक्सीमेट 25 से लेके 200-250 लोग भी आए थे। एक बार हमारा लोकल मीडिया लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, उन्होंने भी मेरा स्पॉन्सर करके कुछ सोशल एजुकेशन सोसाइटी जो देती है तो उनके माध्यम से भी मुझे इनवाइट किया था, और उसकी वजह से भी बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास जुड़ते गए। उसके बाद क्या हुआ, थ्रू रेफरल दे आर सेइंग, अभी आज मेरा ऐसा है कि मेरा 80-90% क्लाइंट्स जो है वो रेफरल है, क्लाइंट ही हमें भेजते हैं। और हम कभी भी एक क्लाइंट्स को आए तो इमीडिएट इनको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ही शुड गो बैक टू हिज होम, सोच कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये हमारा सिलसिला है, वी नेवर फोर्स। कोई भी क्लाइंट आए तो उसको हम कभी भी ये नहीं बोलते आप आए तो आपको चेक देना ही पड़ेगा। और ये उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्सफुली सेलिंग नहीं है ये समझ के, और हमारे लिए सब कभी भी अवेलेबल रहते हैं, फोन इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑफिस में सर्विसेज मिलती है। तो ये इसकी वजह से हमारे पास आज भी क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। तो इतने सालों में इतने क्लाइंट्स भी हुए, बिजनेस भी चेंज हुआ, तो इस दौरान में आपने इतने सारे रेगुलेशंस चेंज होते हुए दिखे, आपके बिजनेस पे इसका क्या असर रहा? सर, रेगुलेटर जो है ना वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, उसको इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरी थॉट प्रोसेस और रेगुलेटर की थॉट प्रोसेस बहुत सारे मिलती जुलती होती कि उनको भी अच्छा, मुझे अच्छा लगता था कि जो कर रहा है वो उसके लिए कर रहा है, और मेरा एक सिंपल है, मेरा क्लाइंट ग्रो हो जाएगा तो मैं ग्रो हो जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी हुआ है ही नहीं कि आई शुड गिव द रॉन्ग थिंग्स टू माई क्लाइंट और मुझे ही ज्यादा पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा चीज से ये सोचा था कि जैसा आप मिराई का भी बारे में देखो, मिराई का और मेरा बुक्स पहले से इंडिया में चालू हुआ तब से सिलसिला चालू है, मैंने भी देखा कि मेरी और थॉट प्रोसेस इनकी मैच होती है। तो जहां मेरी थॉट प्रोसेस मैच होती है तो रेगुलेटर चेंजेस जो है ना वो कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है। अभी जैसा कि ऑनलाइन आ गया तो ऑफलाइन है, तो हम लोग हर तरह का अपडेशन करते रहते हैं और क्लाइंट्स को अल्टीमेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लाइंट भगवान है ये सब ठीक है, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस ये हमें बिहेव करके क्लाइंट को विश्वास दिलाना पड़ता है, उसको मन की बात जो है वो जीतना पड़ती है कि ये जो बोलता है वो करता भी है। लवली, या तो sure. वो फीलिंग जो है, इसके लिए रेगुलेटर जो भी चेंजेस करता है वो हमेशा विन विन से क्लाइंट के लिए रहता है। अभी समझो, मान लीजिए हमारे लिए है, आज मैं इतना नाखुश नहीं हूँ, कुछ चेंजेस होते हैं तो ठीक है, बट आफ्टर ऑल उनको सबका देखना पड़ता है। तो क्लाइंट्स के लिए जब तक सभी रेगुलरली चेंजेस होते हैं तो आई एम विद देम, तो आई एम हैप्पी व्हाट द चेंजेस आर देयर। और इतना कुछ भी दिक्कत आज भी मैं बता सकता हूँ कि कौन से भी एरिया में आप अपना जबान खोलते हैं और क्लाइंट के हित में बात करें तो बिजनेस है, ऐसा नहीं है। और आपको ये समझाना है, उसको समझाना है, और हर आदमी ये समझदार है कि उसको इंश्योरेंस कौन सा टाइप का इंश्योरेंस लेना है, कौन सा टाइप का इन्वेस्टमेंट्स करना है, कितना रिस्क है, उसकी रिस्क कैपिटल कितना है, उसका लॉन्ग टर्म व्यू है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना समय, ये हम लोग पहले सब बोलते हैं तो इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो मुझे नहीं लगता है रेगुलेटर की चेंजेस की वजह से बहुत सारी कोई आफत आई। लवली, तो सर इतने सालों से इतने सारे क्लाइंट्स की फैमिलीज और उनके पैसे, आप तो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन भी पैसा मैनेज करने लगे हैं, ऐसा क्या चीज आप देखते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए पुरोहित कंसल्टेंसी इज नोन फॉर दीस से मेन 3 or 4 पॉइंट्स, वो क्या होंगे? सर एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो सर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने देखा कि ठाणा में 400 करोड़ रुपए कोई मैनेज करता है उसको, मतलब शी वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन
कि आप रियली वेबसाइट में दिया है वो सही है क्या, तो मैं उसको आके दिखाया, देखो नाउ इट इज मोर देन 414 करोड़। तो शी गेट शॉक कि ठाणा में आके आप इतना इक्विटी मैनेज कर रहे हैं, ये उसको भी थोड़ा मतलब थोड़ा आश्चर्य, उसको सब मालूम है। मैंने उसको ऐसा ही पूछा कि व्हाई यू कम टू मी, तो बोला आपका वेबसाइट देखा और दो चार लोगों के पास हम भी मिले और आपके पास मिलने के बाद आपने जो जिस तरीके से हम उसको हम लोग ना कभी भी वी नेवर फोर्स टू इन्वेस्ट, द रीजन बिहाइंड दैट कि इन्वेस्टर हमारे पास आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ समझता नहीं, हम चाहते हैं कि उसकी नीड्स क्या है। समटाइम्स आई हैव आस्क्ड इन्वेस्टर डोंट इन्वेस्ट बिकॉज आपका प्रोफाइल में पैसा इसमें डालने जैसा नहीं है, तो मैं 8-10 क्लाइंट को वापस भी भेजा है। कुछ लोगों को मैं जो यंगस्टर रहते हैं जिनका जस्ट स्टार्टेड होता है उसको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप इनकम लेवल पहला बढ़िए, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कीजिए, रिडीम कीजिए, उसको आप हायर एजुकेशन के लिए, अभी आप 50,000 सैलरी, आपकी सैलरी पहले 1,00,000, आपके सब टारगेट्स जिंदगी के अच्छी हो जाएंगे, बट अर्निंग सोर्स पहला नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो सिलसिला रहता है क्लाइंट्स के लिए कि इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कर सकते हो बट आप एक अच्छा पोजिशन अपना पाइए, फिर आप देखो उनको जब ग्रो करते हैं ऐसा सोचने वाला बोलने वाला उनके लाइफ में कभी मिला नहीं, वो हमेशा ये देखते कि कैला कैसा चेक काटता है, मेरे पास बिजनेस कैसा मिलता है, तो ये एक्सपीरियंस न्यू हो रहता है। तो उसकी वजह जो भी लोग आते हैं वो मुझे अपना तो देते हैं बट अपने रिलेटिव को भी लेके आते हैं। लवली, तो सर आजकल ये साल बहुत ही टफ निकला है मार्केट्स के लिए, फॉर द प्रोफेशन, बहुत सारे आपने इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, कम्युनिटी में, हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी में, आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त? ये एक ना एग्जाम का दौर है समझ लीजिए, अभी लोगों का ना हमने जो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हमने जो भी प्रॉब्लम है लोगों का, हमने कभी भी उनका बिजनेस का क्या होने वाला है, मुझे कितना बिजनेस, कभी नेवर आया, तो मैंने उनको हमेशा ये देखा कि उनको सपोर्ट क्या दे सकते हैं। अभी ये प्रॉब्लम है, आपको एक हैरानी होगी कि एक ओल्ड कस्टमर था और उसको पैसे की जरूरत थी और मैं आई एम नॉट एबल टू जनरेट, तो मैं मेरे स्टाफ को उसके घर में एक छोटी सी अमाउंट था बट उसको घर में जाके जब दिया तो उसके आंख में आंसू है। मैं बोला सर आपको जब भी ये मार्केट लॉकडाउन खुलेगा आप सब कर सकते हैं, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। तो ये छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है बट क्लाइंट को भी यार ये अपना जेब का भी पैसा देता है। ये सब करने का मैं एक्सप्लेन आई एम नॉट मेरा मुझे प्रेस करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट एक वक्त आ गया तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प करना चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि वो है इसके लिए हम लोग हैं। हम बोलते हैं ना कस्टमर है तो कस्टमर इज गॉड, तो खाली गॉड बोलने का नहीं, उसको सही मायने में उसको वो फीलिंग आना चाहिए कि आप है इसके लिए हम लोग है। तो जो भी कोई सीनियर सिटीजन रहता है, कोई कंफर्टेबल रहता है ऑनलाइन, तो जितना अपने से हो सकता है उतना हम लोग ये लॉकडाउन में इतना उनको सपोर्ट है। कितने लोगों का बिजनेस बंद हुआ तो उसको SIP पॉज करना, किसी को SIP, तो हमने कभी उसको ना कुछ चीज का बोला नहीं कि अपना अभी बिजनेस कम होगा या कुछ भी हुआ, आई नेवर थिंक अबाउट दैट। मैं बोला ये सबके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है तो सबके लिए प्रॉब्लम है, तो हम कैसा हमारे क्लाइंट्स को, इट इज अ सोशल कॉज, लोगों को कैसा हम मदद कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो जिंदगी में बहुत आने वाले, यही टाइम है कि जब हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप बताइए, हमारा 3-4 महीना ज्यादा बिजनेस हुआ नहीं, ठीक है आई एम हैप्पी, बट जैसा ये लॉकडाउन चला लोग हमारे, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये टाइम में भी ये हमको सपोर्ट हर चीज का मिलता है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन नहीं होता, जो भी चाहिए वी आर आफ्टर देम कि क्या चाहिए बोलो। तो हमारे सभी स्टाफ को भी बोला किसी का फोन आ गया तो आप उसको आपकी तरफ से हेल्प करना और कुछ नहीं हुआ तो मेरे से कांटेक्ट लेना, और आप लोग भी सब हमको सपोर्ट करते थे, क्या देना है वो नहीं। आज मैं हक से बोल सकता हूँ, इन्वेस्टर्स खाली बोलते हैं ये पैसा लो, यू इन्वेस्ट एज पर योर थॉट प्रोसेस, तो भी फिर मैं उसको समझा देता हूँ सर आपको कितना टाइम का ओरिजन है, कितने दिन तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी इमीडिएट नीड्स क्या है, सब ये सब एक्सरसाइज सब करना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्केट अप डाउन होता है, उसकी नीड्स के हिसाब से हम लोग एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं किया तो बाद में फ्यूचर में अपने को प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सब ध्यान में देखते हुए, कस्टमर को सेंटर में रखते हुए सब कुछ किया ना, तो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। लवली, जो 30 साल पहले आपने सोचा था कि मैं सोशल और समाज के लिए कुछ करूं, आज वो पैसे के थ्रू जब जिसको जरूरत है वो पूरा हो रहा है पुरोहित कंसल्टेंसी से।
सो दिस इज सो लवली टू सी. जो आपका मूल था कि जिस वजह से आपने ये काम शुरू किया वो कभी भी फोकस हटा नहीं, कि इसके थ्रू आप लोगों के लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते थे, विच इज वेरी आई वुड से वेरी इंस्पायरिंग टू सी दैट. कि जब वो होटल ओनर को आप पैसा दे रहे हैं टाइम पे, जिससे कि वो अपने अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, वो सीनियर सिटीजन का ध्यान रख रहे हैं, जब कोई उसके आसपास नहीं है, आपके ऑफिस से कोई जा रहा है उसके हाथ में पैसे पकड़वा रहा है. सो ही इज अ कस्टमर फॉर लाइफ. आई थिंक कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे कुछ, एंड आई नो आप जो कह रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. कोविड के टाइम में मेरा एक सीनियर सिटीजन जो वृद्धाश्रम में था, और उसको अचानक उधर से बोला आप निकल जाओ यहाँ से. तो ही वॉज पेइंग नियर अबाउट 25,000 पर मंथ. तो मैंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हो जाएगा. आई एम सेक्रेटरी ऑफ वन ये वृद्धाश्रम, ओल्ड यानी वानप्रस्थाश्रम नियर, जैसा मैंने एक स्कूल चालू किया वैसा उधर वो भी है. तो हमारे पास 40 ऐसे लोग है कि जिनका हम ओनली 6,000 रुपीज लेके उनको पूरा फैसिलिटी देते है, इतना कम से कम. तो विच इज अनबिलीवेबल उनके लिए. तो बोला आप चिंता मत करो. तो मैं अपनी गाड़ी लेके उनको गाड़ी में बिठा के उनको आश्रम में एडमिशन दिया उनको. आज सर वो जो चीजें हम करते हैं ना, हमको भगवान कभी ये मौका देता है. अभी उनको प्रॉब्लम था, उनका बेटा यूएस में है, तो ये कौन करेगा मेरा. तो बोला आप चिंता मत कीजिए, सब हम लोग करेंगे. तो मैं खुद गाड़ी लेके गया उनको, हमारे सेक्रेटरी जो मैनेजर है उसको बोला इसका दो एडमिशन दो. भगवान की दया से तो जगह भी खाली था, दोनों लेडीज को वहां लेके सब उसका टेस्टिंग विस्टिंग किया, तो दे आर हैप्पी. तो ये सब अपॉर्चुनिटी इसमें भी एक्सपीरियंस क्या, लोगों को हेल्प करने के लिए ऐसे मिलते हैं हमें मौके. तो हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए, अपने से जितना हो सके उतना करना चाहिए. आई थिंक माय लर्निंग सर पुरोहित सर टुडे इज कि इन्वेस्टमेंट्स तो अपनी जगह है, बट इन्वेस्टमेंट्स भी जरिया है लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए. कनेक्शन बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा. मार्केट नंबर्स ये सब बहुत हार्ड नंबर्स है, बट एक्चुअली इट इज पीपल टू पीपल व्हाट इज दिस कनेक्शन अबाउट. सो यस थैंक यू सो मच प्रोहित सर, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. ऐसे बहुत सारे लोग है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, हमें दिखना चाहिए उनकी तरफ और कुछ करना चाहिए. जितना कर रहे हैं वही कंसिस्टेंसली हम लोग अच्छा करें, दैट इज माय टेक अवे फॉर दिस. थैंक यू सो मच सीएम सर फॉर डूइंग दिस, रियली अप्रिशिएट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट इज आवर प्लेजर एंड ऑनर टू डू दिस सर. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज. सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग अदर वेरी एक्साइटिंग एंड डिफरेंट एपिसोड ऑफ द बिग लीफ फ्रॉम मेरे सेट, एंड टेक केयर. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.